अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मज़र। आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अभी रात के बज रहे हैं 10, तकरीबन 10 बज रहे हैं। तो 10 बज रहे हैं, दरअसल काफ़ी दिन हो गए मेरा व्लॉग नहीं आ रहा। तुम सब्सक्राइबर काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि आप अपना क्यों नहीं वीडियो बनाते। दरअसल मैं दुबई में परदेश में हूँ और यहाँ पर दरअसल ना काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, तो जिस वजह से मसरूफियत की वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सका। तो मैं अब इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि रोज़ व्लॉग बनाया करूं, ताकि आप मेरी सारी वीडियो देख सकें। तो ये जो बैटरी वाली साइकिल है आप देख सकते हैं, इसके बड़े फ़ायदे हैं। दरअसल जिनके पास बाइक का लाइसेंस नहीं होता, वो इन्हें इस्तेमाल करके अपना मसलन ना ज़रूरत पूरी कर लेते हैं, तो इसका बड़ा फ़ायदा है। यहाँ पर UAE में इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ये कम प्राइस में मसलन आपको कम से कम 800, 900 या 1000 दिरहम के अंदर अंदर आराम से ये मिल जाती है। हाँ साहू भाई, चाय पी के कैसा लग रहा है? अच्छा चाय बनाया। और ये क्या खा रहे हो? ब्रेड। ये नेपाल से भाई हैं, ये ब्रेड और चाय खा रहे हैं, माशाल्लाह चाय पी रहे हैं। तो UAE में आके आपको कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। अच्छा लगता है, मुल्क अपने मुल्क का याद आता है? याद आता है ना। कितना देर हो गया दुबई में? 26 महीने, 26 मंथ। तो वापस कब जाएगा? इस साल के बाद, नए साल में। चले इंशाल्लाह ज़रूर। तो अभी मेरे साथ, मैं अपने एक दोस्त के साथ आपकी मुलाकात करवाऊंगा जो इंग्लिश में आपसे बात करेंगे। ये इनका नाम मोहम्मद है और ये सीरिया से। तो आए चलते हैं, मोहम्मद से बात करते हैं और इनसे UAE के एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं। परमिशन हो ए भाई, बंगाली खली बंदी है, खली बली पच्चीस वाला भाई, तुम क्या मैट आ रही हो मैट? तो अभी मेरे साथ पाकिस्तान से अबू हुरैरा भाई हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। जो पाकिस्तान, कहाँ से आप? मैं गुजरावाला से। गुजरावाला से अबू हुरैरा से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, तो उनसे यहाँ का एक्सपीरियंस, जो UAE में अपना मौसम का कितने मंथ यहाँ पर टाइम गुजारा है, ये सारा आपसे शेयर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, आप ये बताएं कि आपको यहाँ पे दुबई में कितनी देर हो गई है, और आप जो काम यहाँ पे कर रहे हैं उसका अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। मुझे तो यहाँ अभी 6 मंथ स्टार्ट है, तो अभी के दुबई में अभी मैं न्यू ही आया हूँ। मेरा तो काम हो गया कि मैं इसमें ये ज़्यादा एक्सपीरियंस ये है कि अगर पाकिस्तान से कोई बंदा आता है UAE में, दुबई में, क्या आता है काम करने के लिए, उसके पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि आगे काम करना है उसके लिए उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो आके अपनी जॉब पे खड़ा हो जाए। अगर ज़्यादातर विजिटर आते हैं आकर वो नौकरी ढूँढते हैं पर नहीं, लील होकर वापस चले जाते हैं। मेरा काम स्लोन का है, हमारे काम में जो है ना वो कमीशन है, ज़्यादातर यहाँ ना 60% अरबाब की होती है और 40% हमारी होती है, उसमें रहाइश और वीज़ा वगैरह के मतलब ऑल खर्चा हमारा खुद का होता है। बाकी बस हमने इतना करना, काम करना है और 60% अरबाब को देना है, बाकी रोटी रहाइश सब कुछ हमारा होता है। इसमें स्लोन के काम में ये है कि स्लोन के काम में पैसा बहुत ज़्यादा है, इंसान काम करने वाला होना चाहिए, पैसा एक तो काम अच्छा होना चाहिए अगले इंसान का, तो जाहिर सी बात है आपको स्लोन का काम ऐसा, इधर हर जुबान एक इंग्लिश और अरबी, ये अरबी तो आपको पता है कि वो अधूरी है, क्योंकि जहाँ जिस कंट्री में जाए उसकी लैंग्वेज तो लाजमी है कि आनी चाहिए। और रही बात विजिटर के लिए कि जो लोग विजिट वीजे पर आते हैं,
के लिए एक पैगाम है कि वो यहाँ आगे किसी का भाई है जो भी है, किसी का रिलेटिव में कोई भी यहाँ काम करता है, उसके पास अगर आना है तो अपनी कोई जॉब ढूंढ के आए वहाँ से। अगर ज़्यादातर ऐसे आते हैं कि रजिस्टर पर आ जाते हैं तो यहाँ दलील होकर चले जाते हैं, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। एक तो इंसान के पैसे ज़ाया होते हैं, दूसरा इंसान दलील होकर वापस चला जाता है। बहुत शुक्रिया भैया, आपने अपना एक्सपीरियंस मतलब शेयर किया। तो वैसे शुरू का चलें, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मेरा ये काम है, लेकिन आप ये बताएं कि जो मसलन है दूसरे अगर कोई हुनर सीख के आए मसलन दुबई में आने के लिए, ज़्यादातर किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है कि ये काम अगर आप सीख के आएंगे तो आपको आसानी से काम मिल जाएगा? ज़्यादातर तो इधर आपको भी पता होना चाहिए कि ज़्यादातर तो इधर यही है कि ज़्यादा इंसान को इंग्लिश आनी चाहिए। जी, इंग्लिश आनी चाहिए। अगर इंसान कहीं भी अप्लाई करेगा तो उसे जॉब मिल जाएगी। अगर तो एक इंसान को चाहिए जिसे इंग्लिश नहीं ना आती, तो जाहिर सी बात है आप इस बात को जानते हो यहाँ जॉब जो है ना बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर किसी इंसान कोई पढ़ा लिखा है उसे इंग्लिश आती है तो उसे कोई उसके लिए मुश्किल नहीं, उसे जॉब जल्दी मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया भाई। ये भाईजान पाकिस्तान से थे, इन्होंने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं आज मौसम बड़ा प्यारा हो गया है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। आज की वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।